बिल्कुल ना कछु कछु। तो देखिए एक बात बताते चलते हैं, एक बार की बात कि जैसे इस गांव में तुम्हारे में अतापुर है, इसमें जैसे कि भगवान की कथा हो रही है, ऐसे ही एक गांव में कथा होने लगी। तो उस गांव में पंडित और पंडितानी भी रहा करते थे। तो पंडित और पंडितानी जब गांव में रहा करते थे, तो पंडितानी थोड़ी पूजा पाठ करती थी और पंडित जी कपड़ों की दुकान करते थे और कपड़ा बेचते थे। तो पंडित जी का मन नहीं लगता था भगवान के भजनों में, और पंडितानी सारे दिन पूजा करती रहती थी। पूजा करने के बाद नहाना, कपड़े धोना, खाना, उसके बाद फिर भगवान के भजन में। तो जैसे कि तुम्हारे गांव में कथा होने लगी, हर की चर्चा होने लगी, वैसे ही उस गांव में भगवान की कथा होने लगी। तो पंडितानी ने सोचा कि जब भगवान की कथा हो रही है तो हम जाके भगवान की कथा सुनाएं। तो पंडितानी भगवान की कथा सुनने के लिए गई। अकेले पंडित नहीं गए, पंडितानी गई। तो पंडितानी ने कथा में जाकर के कथा को सुना, तो कहने लगी बहुत अच्छी अच्छी कथा में बात होती है, इससे अच्छी कौन सी बात है। शाम को आरती हुई, वापस आरती लेके घर पे पहुंची और पंडित जी दुकान बंद करके आए कपड़ा की। तो पंडित के बगल में बैठी और बोली, पंडित हाँ एक बात कहे तुमसे। पंडित बोले, कहो एक ना दुई को, हम तुम्हारी बात ही सुनिए। तो पंडितानी बोली, कहा पंडित देखो कितनी दुना हो गई हमारी तुम्हारी शादी को, हम तुम्हारी बात मान दो, तुम हमारी बात मान दो। हाँ तो एक बात हमारी मान लो कि हमारे तुम्हारे गांव में भगवान की कथा हो रही है और चलो कथा सुनवे चलेंगे। पंडित जी बोले, नहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? अगर कथा सुनवे जाएंगे पंडितानी तो बहुत बड़ा घाटा होएगा, कि दुकान बंद है जाएगी, गिरा कर लौट के चले जाएंगे। पंडितानी बोले, पंडित तुम्हें मेरी किस्म चलियो जरूर। तो पंडित बोले, ना मान जी तो चलेंगे। तो पंडित और पंडितानी कथा सुनवे गए। जब कथा सुनवे गए तो पंडितानी अपने डिपार्टमेंट पहुंच गए, जिधर माताएं बहनाएं बैठी हुई थी। अब पंडित जी खड़े हैं बेचारे, अब वो कहने लगे कहां बैठी, तो दूर से खड़े देख रहे कि कहीं सारा मिल जाए जिसका सारा लेकर के हम बैठ जाएं। तो पंडित जी सबसे आगे आए और बल्ली गड़ी रहे, भाई बल्ली को सारा लेके बैठे गए। जब बल्ली को सारा लेके बैठ गए और कथा सुनने लगे, तो पंडित जी कथा दोर सुने, बिल्कुल मन मही के दुकान बंद गिरा के लौट जाएंगे। आज कैसे दो चार पैसे पैदा होते वो पंडितानी नहीं होने देंगे। कथा सुनने लगे तो टेक लगाए के बल्ली को सारो लेके पंडित जी कथा सुन रहे और संत संत पंडित जी को नींद आ गई। जैसे ही नींद आई तो पंडित जी ने एक सपन और देखो, हम सपने में क्या देखो कि एक ग्राहक पंडित जी की दुकान पे आया है और वो पंडित जी से बोले, पंडित जी हमें आध मीटर पीला कपड़ा दे दो। तो पंडित जी चली समझ रहे कि दुकान पे पंडित जी एकदम से खड़े हुए और जो व्यास जी के गले में पीला पीतंबर पड़ा हुआ था वही बीच में से फाड़ दिया। जैसे ही बीच में से फाड़ा, पंडितानी एकदम से बाजी और पंडित को पकड़ लो, बोली आए पंडित जुगा कर दो, का हुए हो तुमने तो देखो व्यास जी को पीतंबर फाट डालो। पंडित जी बोले, का बताएं पंडितानी, हमने तो जा समझी कि हम तो कथा में ना आएंगे, दुकान पे दुकान चलाए रहेंगे, सो ग्राहक हुआ भाई हमने कपड़ा दो। पंडितानी बोले, पंडित तुम्हारी किस्म तुमन तो बड़ो घाटो करता हो। पंडितानी चुपचाप पंडित जी कुलवाए ले गई घरे दूसरो दिना भाओ। फिर बोली पंडित से, पंडितानी कहे पंडित हाँ आज और चलो। पंडित तो बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? कि कल देखो कितना बड़ा नुकसान किया हमने, अगर आज जाएंगे तो आज और नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। पंडितानी बोली, पंडित जी आज चलो, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, चार बातें याद कर लियो तुम बस, चार ते पांच ही नहीं और चार ते तीन ना हो जाए, चार ही याद कर लियो। पंडित जी सोचने लगे ऐसा तो याद होगी ना। तो पंडित जी ने चुपचाप एक पेन लिया और
एक कापी ली अपनी जेब में रख ली और चुपचाप चल गई। पंडितानी से बोले चलो पंडितानी, तो पंडितानी और पंडित कथा सुन वे पहुंच गए। तो जैसे ही व्यास जी ने पंडित जी को आते देखा तो एकदम से व्यास जी बोले आए गए। पंडित जी ने चुपचाप डॉट निकाली और कॉपी और लिख लई आए गए। अब बोले तीन बातें की और जरूरत है, थोड़े और बड़े आएंगे पंडित जी। एकदम जैसे ही नोरे पंडित जी, व्यास जी बोले नोरे गए। पंडित जी ने दूसरी बात लिखी नोरे गए। अब पंडित जी बोले दो ही बातें और मिल गए। सभी संज्ञा को पंडितानी को चार बातें सुनाई दी है। थोड़ी देर बाद पंडित जी बैठे, फिर बोले बैठ गए। पंडित जी लिख लई बैठ गए। अब चौथी बात को इंतजार करें पंडित जी। पूरा दिन हो गया कथा सुनते सुनते पंडित जी बेरे बेरे मुंह देखे कितनी जननी चौथी बात कह दे। कथा सुनी, आरती हुई। आरती होने के बाद जैसे ही चले पंडित जी, सोई व्यास जी बोले चंद है। सोई पंडित जी लिख लई चंद है। चार बातें पूरी हुई, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चंद है। अब तो चार बातें लिख नहीं पंडित जी ने। अब चार बातने की रटन लग गई पंडित जी है। अगर खाएं तो भी चार बातें, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चंद है। सोए तो भी चार बातें, पिए तो भी चार बातें, चले तो भी चार बातें। पंडित जी चार बातने की रटन लगा ली। तो एक दिना की बात है, पंडित जी के घर में भाई चोरी, वो चार चोरी करवे आए चोर। सो पंडित जी सोए रहे बाहर खटिया डाले, पंडितानी सोए रहे अंदर। तो जब पंडित जी सोए रहे तो सोए भी लोग पंडित जी की भाई चार बातें चंदे के आए गए, झुक गए, बैठ गए, चंदे। तो चोर आए चोरी करवे। जैसे ही चोर आए चोरी करवे पंडित जी के घर में, तो पंडित जी की रामायण शुरू भई के आए गए। पहली बात कही पंडित जी ने, सोएबे में आए गए। चोर बोले भैया पंडित जग रहो, पंडित कह रहे हो कि आए गए, तो जाको मतलब पंडित सोए ना रहो, जग रहो है। एक ने कहे भैया अगर सोए रहो ना है, जग रहो है, तो बाल मालूम पड़ जाते नो जाओ। जैसे ही नोरे चोर, पंडित जी की दूसरी बात शुरू हुई, नोरे गए। चोर बोले बिल्कुल जग रहो है, जान तो फिर देख ले। तीसरा बोलो ऐसा करो बैठ जाओ। तो जैसे ही चोर बैठे, पंडित जी की तीसरी बात शुरू भई, बैठ गए। चोर बोले बिल्कुल जग रहो है पंडित, सो तो ना है, बहुत चालू है पंडित। एक बोले अगर पछे चाहता तो चलो, वरना बाल पंडित पकड़ लेगो, लाठी बजाएगो। जैसे ही चोर चले, पंडित जी बोले चंद है। चोर बोले वास्तव में पंडित सो तो नहीं हो जगत। सोई एकदम से पंडितानी भाजी और बोली आए दैया पंडित जी कितने अच्छे हो तुम, तुमने तो अपना घर बचा लो लुटत है। उन अगर घर लुट जाता तो तुम आई किसम पंडित जी घर में कछु ना है बच। तो मैंने तुमसे कही कि कथा सुन में चलो, कितनी अच्छी अच्छी बातें मिलती। देखो चार बातें मिली जो हम तुम्हारा घर बच गो। पंडित बोले सही कहती हूँ पंडितानी, अगर हम नाए जाते तो उसे पतो ना सारो घर लुट जातो, कछु नाए बचतो, खाना को नाए रहतो। पंडितानी बोले ठीक का तो जा से कहते भैया और माता बहनाओ, अगर भगवान के दरबार में आते हो तो कुछ नहीं, दो चार थोड़ी बातें अपने साथ ले जाओ, शायद इसी से हमारा और तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये भी बताया जाता है कि बहुत से ये कहते हैं कि भगवान की कथा में जाओ तो कथा थोड़े हो देगी, कि कथा थोड़े हो देगी नौटंकी हो देगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो कथा नहीं नौटंकी होती है, क्यों भैया यही तो कहते हैं। अच्छा तुम बताओ कथा होती है या फिर नौटंकी? कथा होती है। ओ हाँ, कछु तो नौटंकी कर रहे हैं, कछु लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। कछु पता क्या है? तो अगर नौटंकी नहीं होगी तो ये भी तो नौटंकी बाज हो चुके हैं। और बुराई नहीं, ये वो आएंगे ना पर के सोएंगे लगे नौटंकी। अगर नौटंकी ना होगी तो जब कहेंगे कथा अच्छी ना होगी, ऐसे ही लगे रहते हैं। वे तो फिर नकचु का था कि ताश है घर बैठो सो बढ़िया, दोपहरी बजत जाए नींद और खराब हुई है, घर सोए।
तो देखिए अगर भगवान के दरबार में आते हैं सभी भक्तजन, तो भगवान के दरबार में आते हो तो कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाया करो, ले जाओगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये भी होता है कि हमारी माता बहनें आती हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, तो ये नहीं है कि ये लेके आओ वो लेके आओ, लेकिन माता बहनों कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं आते हैं। अगर खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ लौट के जाओगे, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ अपने साथ लाया करें, ज्यादा नहीं 2 रुपए का 5 रुपए का प्रसाद ही ले आया करें, लेकिन खाली हाथ नहीं आए कोई भी। टोपी उछलती है, खाईवे के काम में आती है, छोटे छोटे होते भैया तो टोपी खूब खाता है दुकान पे। हमने बहुत छोटे बंदे का देता था, मम्मी ने दिया 1 रुपया, तो चल भी छंती। अच्छा तो सही है, तो खूब खाई है तुमने। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम।